भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे कि प्रभु ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं पर मेरे 5 विवाह हो चुके हैं। अच्छा, अब विवाह मतलब असल विवाह नहीं, विवाह का एक अर्थ ये भी कि बंधन, बंधन है ये। तो वो कहे मोह माया रूपी विवाह, काम क्रोध भोग विलास सब कुछ। तो वो कहे ऐसे 5 विवाह मेरे हो चुके हैं और मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सक रहा। तो भगवान ने कहा कि भोगों, इनको भोग कहते हैं। भोग क्या है? जैसे जीभ को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, सच है। कभी भी व्यक्ति बहुत दिन से अगर अच्छा खाना खा रहा है तो वो ये नहीं बोलेगा कि अरे बहुत दिन से अच्छा कर, थोड़ा बेस्वाद खाना खिलाओ। कोई कहेगा? उसको हमेशा ही खाना अच्छा चाहिए। तो जीभ को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कान को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। ये भोग है। भगवान कहे भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो। कब से? कब से? वर्षों से नहीं, जन्मों से। आज तक तृप्ति हुई है? किसी की तृप्ति हुई आज तक? एक बार भोजन करते एक बार के लिए लगता है अब तो नहीं खा सकते, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। इन चीजों से तृप्ति? तो भगवान कहते क्योंकि तृप्ति के लिए तुम्हें इनका त्याग करना पड़ेगा। व्यक्ति को अगर कुछ छोड़ना है तो वो करते करते ये नहीं बोल सकता कि मुझे छोड़ना है, छूटेगी नहीं वो चीज। अगर कोई चीज से अलग होना है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। समय लगता है, धैर्य लगता है, पर यही एक रास्ता है। तो भगवान बता रहे हैं कि त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ये सुन के प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। भगवान कहे दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। आज मान लीजिए कि आप घर में पूजा करने बैठ रहे हैं, बच्चा चिल्ला रहा है, पति चिल्ला रहा है, या पत्नी कोई ना कोई काम के लिए कह रही है। कोई भी अगर पति बैठा है तो आप पत्नी मान लीजिए, पत्नी बैठी तो पति मान लीजिए, कि आपका जो साथी है वो कोई ना कोई काम के लिए चिल्ला रहा है, कोई मेहमान आ गए हैं। कभी कोई व्यक्ति ऐसे भजन कर पाएगा, अच्छे से पूजा पाठ कर पाएगा? नहीं। यही मान लीजिए जब आप पूजा करने बैठे, घर में बिल्कुल शांति है, बच्चे बाहर गए हुए हैं, जो साथी है वो भी कोई ना कोई काम से या सो रहे हैं, बिल्कुल शांति है, अब अच्छे से हो जाएगा? तो भगवान कहे मैंने तुमको सब कुछ दिया, क्यों? कि तुम मेरा भजन शांति से करो। मैंने तुमको घर दिया, छत, मैंने तुमको परिवार दिया। चलो परिवार में भी कई लोग अकेला महसूस करते हैं, तो साथी, हम सफर दिया, एक व्यक्ति जो सिर्फ तुम्हारा है, जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा अपना परिवार बनता है, अपने बच्चे हो। मैंने तुमको तुम्हारा, तुमको उस परिवार में, पहले परिवार में भी अगर अकेला महसूस हो रहा है तो खुद का परिवार भी देखिए कितने अच्छे से तरीका बांधा गया है। एक समय बाद जब विवाह किया जाता है, एक ना एक कारण तो ये भी है कि ये परिवार के मोह के रहते रहते दूसरे परिवार में मोह हो जाता है, ताकि जब ये छूटता है तो ज्यादा दुख नहीं होता। इनका भी तो समय है ना, चाहे माँ बाप है, उम्र है। अब वो खत्म होने के बाद तो व्यक्ति तो ऐसा हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो यहां मोह रहते रहते दूसरा मोह बन जाता है कि जब ये चले भी जाए तो व्यक्ति अकेला महसूस
ना करे। तो भगवान ने समय पे समय परिवार भी तैयार रखा, सब कुछ मानो कहते ना कि थाली परोस कर दे दी कि खा लो बस तुम। तो भगवान कहे मैंने ये भी दिया, तुम खुशियां बांट सको, रिश्तेदार दिए। आज जब आप उत्सव मनाते, परिवार रिश्तेदार सब आते, खुशियां बांटता है इंसान, जिंदगी चला सको, काम दिया। पर तुमने तो इन्हीं को मुझे नहीं मनाने का कारण बना लिया।